एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क बिजनेस क्यों करना चाहिए। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूं, मौर्या जी अभी उस अपार्टमेंट में मेरे घर पे आए थे, एक छोटा सा मैं रोज देखता हूं, हर महीने चीज देखता हूं, डेली सुबह सुबह देखता हूं। मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अपने डिसीजन के ऊपर बड़ा गर्व होता है कि यार मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं। मेरे अपार्टमेंट के अंदर मुझे मिला के 16 परिवार रहते हैं। कितने रविंद्र जी, कितने बोले मैंने? 16 परिवार रहते हैं। और आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, और आप भी उनमें से होंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक आप भी देखते होंगे, वो 16 परिवार के जो मुखिया हैं वो रात को जल्दी सोते हैं। क्या सोते हैं? जल्दी। और सुबह जल्दी उठते हैं, और उठते ही तुरंत भागा दौड़ी में लग जाते हैं, नहाना धोना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना, टिफिन पैक करवाना, भागम भाग भागम भाग भागम भाग भागम भाग। अगर मैं उनके पास जाके 10 मिनट उनको ये बोल दूं कि सर आधा एक घंटा डिस्कशन करना है, नहीं नहीं शर्मा जी शाम को 9 बजे के बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी नौकरी पे पहुंचना, रात को जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना, और वही काम जो रोज करते चले जा रहे हैं वही काम करते हैं, टिफिन पैक कराते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, 8 घंटे 9 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी निभा के रात को थके हारे घर आते हैं। और रात को 9 बजे अगर उनको बोलो सर बात करनी है, सर अभी इतना थक गया हूं, एक काम करते हैं ना, संडे को छुट्टी होगी तब बात करेंगे। एक साल हो गया मुझे नए अपार्टमेंट में रहते हुए, उस एक साल में सुबह से लेकर शाम तक उनका वही रूटीन है, वही भागम भाग वाला जीवन। बिल्डिंग के अंदर अगर कोई काम होता है, किसी चीज की अचानक व्यवस्था हो जाती है, तो कहते हैं हमारे पास उतना पैसा नहीं है। एक छोटे से निर्णय के लिए अगर इन्वर्टर भी शायद अगर बिल्डिंग में लगाना है तो कई कई महीने के लिए उसकी मीटिंगें चलती है, बजट पास होता है, जैसे संसद के अंदर बजट पास होता होगा। मैं कहता हूं मुझसे अब ले लो भाई पैसे तुम, आज भी, और जब नेटवर्किंग करता था तब भी मैं कहता था अभी ले लो पैसे, अभी करो इस काम को, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों को नेटवर्क बिजनेस समझाओ तो समझ में। और हमारा जीवन कैसा है, हम देर से सोते हैं और देर से जब मन करता है जब घर से निकलते हैं, जब मन करता है घर से। हमारे पास अगर वो आ जाए कि सर 1 घंटे बात करनी, हम कहता तो 3 घंटे बात कर भाई। यानी कि समय की भी आजादी है, पैसे की भी आजादी है, परिवार के साथ भी समय बिताते हैं, और जहां पे अपने करियर की बात हो वहां रात को पूरी पूरी रात सफर करके सवेरे जल्दी उठ के इस तरीके के मीटिंग सेमिनार भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि 16 परिवार मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, 15 के 15 भागम भाग भागम भाग भागम भाग वाला जीवन गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, और एक ही चीज उनका डिसीजन है कि रिटायरमेंट के बाद हमारा बच्चा बड़ा होगा और जिम्मेदारी वो संभालेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हमारे साथ ऐसा नहीं है, एक नेटवर्कर के साथ ऐसा नहीं है। एक नेटवर्कर ये जानता है, नेटवर्किंग की पावर जानता है कि आज मैं जिस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, आज मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, कल को ये कंपनी चलती रहेगी, मेरी इनकम बहुत बड़ी हो जाएगी, जिस दिन मैं रिटायर लूंगा उस दिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे इस बिजनेस को वहां से संभालना शुरू करेंगे। लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, लोग उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, लेकिन कब? जब रिटायर होते हैं। हमारी बिल्डिंग में 2 साहब रिटायर हुए हैं, उन्होंने पार्टी भी दी है, लोग उनको गिफ्ट भी देने आए, लेकिन कब? जब रिटायर। और यहां तो हर मीटिंग में फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, हर मीटिंग में तालियां बजाई जाती हैं, हर मीटिंग में सेल्फी खिंचवाई जाती हैं। अगर 18 साल का लड़का हो उसका भी ऐसा ही जीवन होता है, 35 साल का युवा हो उसका भी ऐसा जीवन होता है, और यहां पे अगर कोई 90 साल का व्यक्ति भी आगे खड़ा हो जाए उसका जीवन भी ऐसा। महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है इस इंडस्ट्री के अंदर, कल्पना कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं? एक महिला, आज से नहीं कई टाइम से मैं इस बात को सुन रहा हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक महिला अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित नेटवर्क बिजनेस के अंदर करती है, सबसे ज्यादा सुरक्षित, जहां कोई गलत काम नहीं होता, जहां कोई बदतमीजी नहीं होती, जहां कोई भी इस तरीके की हरकतें नहीं होती हैं कि जिससे उस महिला को नीचा दिखाया जाए। यस या नो?
अभी आप सब लोग यहां बैठे हैं, अगर किसी का कोई सामान यहां छूट जाए तो मीटिंग के बाद मिलेगा या गायब हो जाएगा? और कहीं जाओगे तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है कि मेरे अपार्टमेंट के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो लोग भागम भाग में लगे हुए, दोस्त ये नौकरी का जो जीवन है, ये छोटी मोटी दुकान जो आप चला रहे हो सर, इससे हमारा लाइफ जो है सिक्योर होने वाला नहीं है, आपको और हमें नेटवर्क बिजनेस के लिए सीरियस होना